Hello, welcome to Sumo Biology online classes. So today we are going to discuss a question from your NEET 2021 question paper. Question says, chronic autoimmune disorder affecting neuromuscular junction. Chronic means वो बीमारी जो बहुत लंबे समय तक रहे. Autoimmune disorder में हमारी immune system जो है, immunity, immune system जो है, वो हमारी ही cells के खिलाफ antibodies बनाने लगता. तो chronic autoimmune disorder affecting neuromuscular junction leading to fatigue, weakness, paralysis of skeletal muscle. थकान हो जाएगी, कमजोरी हो जाएगी, paralysis skeletal muscle का हो जाएगा. ऐसी कौन सी chronic autoimmune disorder है जिसमें ये symptoms आते हैं या ये जिसमें आपको देखने को मिलेगा. Myasthenia gravis is the correct answer. You should go with it. तो answer आपका option C, Myasthenia gravis. Myasthenia gravis is characterized by weakness and rapid fatigue of any of the muscle under your voluntary control. It is caused by breakdown in the normal communication between nerves and muscles. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, Myasthenia gravis. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या है? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक डिजीज है जो किस वजह से हो रही है? डिफेक्टिव एलील की वजह से हो रही, म्यूटेशन. और डिफेक्टिव एलील की होने की वजह से वो प्रोटीन जो मसल्स के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड है, डिस्ट्रोफिन, वो प्रोटीन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, जिससे मसल्स जो हैं वीक हो जाएंगी. मस्कुलर डिस्ट्रोफी इज़ अ ग्रुप ऑफ डिजीज दैट कॉज प्रोग्रेसिव वीकनेस एंड लॉस ऑफ मसल मास. ग्रुप ऑफ डिजीज है दैट कॉज प्रोग्रेसिव वीकनेस. धीरे धीरे मसल वीक होती चली जाएंगी और मसल मास कम होता चला जाएगा. इन मस्कुलर डिस्ट्रोफी एबनॉर्मल जीन्स म्यूटेशन हो गया, जीन्स अब नॉर्मल हो गए, इंटरफेयर विद प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन प्रोडक्शन नहीं हो रहा. कौन सी प्रोटीन? डिस्ट्रोफिन, नीडेड टू फॉर्म हेल्दी मसल. जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन रिक्वायर्ड है हेल्दी मसल के लिए. तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी में ड्यू टू डिफेक्ट हो रहा है किसमें? जीन में, अब नॉर्मल जीन्स होने की वजह से, म्यूटेशन होने की वजह से. आर्थराइटिस इज अ टर्म ऑफन यूज टू मीन एनी डिसऑर्डर दैट अफेक्ट जॉइंट्स. आर्थराइटिस गठिया जिसको हम लोग बोलते हैं, जॉइंट्स रिलेटेड पेनफुल जॉइंट्स हो जाते हैं, आर्थराइटिस, चलने उठने में दिक्कत होती है ओल्ड एज में. आप देखेंगे रूमेटाइड आर्थराइटिस इसका एक एग्जांपल है. आर्थराइटिस इज अ टर्म ऑफन यूज टू मीन एनी डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स जॉइंट. तो जॉइंट को इफेक्ट कर रहा है आर्थराइटिस के केस में, जिसमें डिसऑर्डर हो रहा है जॉइंट्स में और पेनफुल मूवमेंट हो जाता है. सिम्टम्स जनरली इंक्लूड जॉइंट पेन एंड स्टिफनेस. ठीक, आर्थराइटिस हो गया. गाउट का, गाउट है यूरिक एसिड डिपोजिशन इन जॉइंट्स. यूरिक एसिड बढ़ जाए, यूरिक एसिड डिपोजिशन जॉइंट्स में हो तो पेनफुल जॉइंट्स हो जाते हैं, गाउट. तो हमसे पूछा गया था, जो ऑप्शन दिए गए थे, फिर से वापस चलिए. ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसकी वजह से क्या हो रहा है? अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को इफेक्ट कर रहा उसकी वजह से फटीक हो रही, वीकनेस हो रहा, पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल हो रहा, वो क्रोनिक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जिसकी वजह से ये सब हो रहा, उस डिजीज़ का नाम क्या है? उस डिजीज़ का नाम है Myasthenia gravis. आर्थराइटिस जॉइंट से रिलेटेड है, पेनफुल जॉइंट्स हो जाएंगे. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा ड्यू टू डिफेक्टिव एलील. गाउट, यूरिक एसिड डिपोजिशन, यूरिक एसिड डिपोजिशन इन जॉइंट्स. तो Myasthenia gravis न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर की वजह से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आपका इफेक्ट हो रहा है, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा, जिससे मसल में वीकनेस हो जाएगी, पैरालिसिस हो सकता है, फटीग के हो जाए. तो आपको जाना है ऑप्शन सी के साथ. थैंक यू.